जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। लूक का 22वां अध्याय का 61वां वचन। तब प्रभु ने घूमकर पत्रस की ओर देखा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो घूमकर पत्रस की ओर अपने नजर को लगाया, वहां प्रभु यीशु मसीह पिलातुस की भवन में कैदी के रूप में वहां खड़ा है। उस वक्त यीशु को एक कमरे से दूसरे कमरे में ले गए। उस वक्त दुख के साथ पत्रस था, यीशु ने उसको ध्यान से देखा। बहुत ही दुख के साथ वहां पत्रस खड़ा है, वहां यीशु देख रहे हैं। इसी घटना को यहां पर वचन में हम पढ़ते हैं। यीशु का एक नजर पत्रस को देख नहीं पाया, इसलिए बाहर जाके उन्होंने फूट फूट कर रोया। यीशु का एक नजर जो है पत्रस को थोड़ा, परमेश्वर यीशु मसीह का एक नजर, उसका एक ही नजर में पत्रस को सारी बातें समझ में आएगी जो यीशु ने उनको चेतावनी दी थी। इसके बाद तुम जो है पाप नहीं करना है करके यीशु की नजर में प्रभु ने देखा। पत्रस के मन में यही विचार आया, 3.5 साल तक यीशु के साथ रहे, उसके साथ सोए, उसके साथ हमने खाना खाए, लेकिन उतना प्यारा परमेश्वर को मैंने 3 बार इनकार कर दिया। इसी दोषी भावना में पत्रस वहां खड़ा, अपने आप में दुखित होके, मन जो है बहुत टूट के वो अपने आप में रो रहा, फूट फूट के ये मेरा बड़ा भूल हो गया करके रोया। आखिरी मौका जो पत्रस को मिला उसको पकड़ के मन फिरा के उन्होंने रोया वहां पर। यीशु मरा था और दफना गया और 3रा दिन जी उठा है। जी उठने के बाद उन्होंने एक ही वचन को पहले कहा। यीशु ने कहा अपने भाइयों से जाके कहो, खास करके जो है मैं गलील में जाऊंगा उसको पत्रस के पास जाके कहो, पत्रस को देखे, हे पत्रस मैं पूरे पूरे मन से पूरे दिल से मैं तुम्हें माफ कर दिया, मैं तुम्हें मिलने के लिए आया हूं। इसका मतलब हमें यही पता चलता है जो मन फिराता है परमेश्वर उसको प्यार से गले लगाता है और उसको माफ करके अपने पास रखने वाला है। वहां समुद्र की तट पर पत्रस के मिलके परमेश्वर ने कहा तू मेरे बेड़ों को चराना है और मेरे सेवकाई को करना, मेरे कलीसिया को चलाना। उसी पत्रस के द्वारा परमेश्वर जो है 8,000 आत्माओं को अपने पास लाया और जो है बड़े बड़े कामों को पत्रस के द्वारा करवाया। उसी पत्रस के द्वारा बड़े बड़े परमेश्वर कार्य किया। इसका मतलब मन पिराने वालों से परमेश्वर बड़े बड़े कार्य को वो करवाता है। इसको सुनने वाले मेरे प्यारों, आप भी यदि परमेश्वर से कहेंगे मैंने पाप कर दिया है, मैंने गलती किया है, मेरे पापों को क्षमा करो, मैं कहां गलती किया मुझे आज बताओ करके कहेंगे, सचमुच में गहराई दिल से यदि हम अर्पण करेंगे, परमेश्वर कहता है जैसे मैंने पत्रस को इस्तेमाल किया वैसे आज मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। जरूर आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करेगा, आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे, आपके सारे कार्य में विजय को प्राप्त करेंगे, बड़े बड़े कार्य को परमेश्वर आपको द्वारा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।